कहते हैं भगवान हमेशा सुनता है। आज हम शूट करने निकले थे, काइगर का टेम्परेचर पहुंच गया 52.3 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में। मैंने कहा यार काश थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, भगवान ने सुन ली और बारिश कर दी। गाड़ी गंदी जरूर हो गई उस वजह से, बट कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से मौसम बहुत सुहाना हो गया है और आप वीडियो बनाने में आएगा मज़ा, और मज़ा आना भी चाहिए बिकॉज टॉपिक ही कुछ ऐसा है। टुडे वी शूटिंग द रेनो काइगर, और कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं, हम बात करने वाले हैं ऐसी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इतने नहीं हम कंपेयर भी करेंगे इसको विद द टाटा पंच। आई नो टाटा पंच को लेके आप सबके मन में हमेशा क्वेश्चंस भी रहते हैं और कहीं ना कहीं वो ज़ुबान पे भी रहती है, क्यों ना हो। बेस्ट सेलिंग है, फीचर्स ही फीचर्स प्रोवाइड करती है, इंजन भी अच्छा मिल जाता है, और टाटा मोटर्स की है, इंडियन का फ़ायदा तो उठाना ना हमने। बट एनीवेज, काइगर में क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, कैसे अच्छी है, कैसी बुरी है, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, तो वीडियो के एंड तक देखना, आपका काम डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू, प्रॉपर इसके जीने के बाद रिव्यू देने का काम हमारा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। तो लेट्स बिगिन विद दी ऑल न्यू रेनो काइगर, और मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपने कुछ भगवान से ऐसी कैजुअली मांगा और भगवान ने आपको दे दिया। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, सीट बेल्ट बड़ी प्रॉब्लम है भाई इसकी। सीट बेल्ट लगाने आओ और नीचे ढूंढना पड़ता थोड़ा सा, तो ये लगानी थोड़ी सी मुश्किल है। तो एक बार आदत हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये जो पूरा पैनल है ये वाला, ये बीच में आ जाता कहीं ना कहीं आर्मरेस्ट के साथ वाला, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रखा गया इसको, क्योंकि हैंड ब्रेक भी लेफ्ट साइड आ गई। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज है प्रोवाइडेड फॉर योर कप्स, क्योंकि कप होल्डर है अंदर जो कि क्लोज होकर पूरी अच्छी जगह मिल जाती है। बट हाँ, सीट बेल्ट की आपको आदत डालनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं सीधा बैठ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं होता हूँ। तो ये होगी हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन अच्छी वाली बता देता हूँ कि इन्होंने ना एम्बिएंट लाइट दी रखी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वायरलेस चार्जर है ये तो फ़ोन लगता है, और ये लाइट डोर की साइड्स पर भी है यहाँ पर, तो इसको ऑफ़ की जा सकता है ऐसे। यहाँ पर एक बटन दिया गया एम्बिएंट लाइटिंग को ऑन या ऑफ करने का, बहुत थोड़ी लाइटिंग है जैसे यहाँ पर है डोर की साइड पर, सिर्फ ये तीन मिल जाती है। बट ऑन ऑफ का बेनिफिट ये मिल जाता है कि जैसे आपको कभी कभी ड्राइव कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए लाइट, आप इसको ऑफ़ कर दो, और जब कुछ ढूंढ रहे हो तो आप इसको करते हुए ऑन कर दो, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट मिल जाती है, स्पेशली यहाँ पर जहाँ पर आप अपना यूजुअली फ़ोन रखते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, कुछ डिफरेंट यूनिक लगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, IRVM, जो कि बहुत ही सेक्सी IRVM है। क्यों? क्योंकि ये बेजल लेस है। इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा IRVM मिलता ही नहीं है। ऑटो डिमिंग भी है और ये बेजल लेस डिज़ाइन मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो देखो इतना महंगा पड़ता नहीं, हर गाड़ी में होना चाहिए मैं तो कहता हूँ, एटलीस्ट 7-8 लाख के ऊपर तो सारी गाड़ियों में दे देना चाहिए। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। पता है क्या सीन है, बहुत सारी में क्या होता है कि आपको एक तो वायरलेस टेक्नोलॉजी तो मिल ही रही है इसके लिए, बट बहुत सारी गाड़ियों में क्या करना पड़ता है कि पहली बार फ़ोन को कनेक्ट करना है तो वायर के थ्रू करना पड़ता है। काइगर एक ऐसी गाड़ी जिसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। आप एंटर करो, नया फ़ोन लेकर आओ, नई गाड़ी लेकर आओ, ब्लूटूथ से एक बार कनेक्ट करो और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, और हर बार सीमलेसली। फ़ोन को वायर से लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। टेक्निकली ये पोर्ट किसी काम का नहीं है, मतलब पेन ड्राइव लगाओ, फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं। USB पोर्ट जो दिए क्योंकि चार्जिंग के लिए आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है, हालांकि ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा फ़ोन आपका गर्म कर देता है जो कि सारे वायरलेस चार्जिंग पैड्स करते हैं। बट वायर यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सीधी आप लगा सकते हो पेन ड्राइव की, और आपका फ़ोन जो है वो आपकी स्क्रीन से फटाफट कनेक्ट हो जाता है। ये मेरा फेवरेट फीचर है काइगर का। अगली ऑब्जर्वेशन, जो ये विंडो ग्लास है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है। ये देख रहे एरिया कितना कम है, हालांकि ये तो रेन वाइजर लगा हुआ है, बट ये एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। उसके वजह से कह रहे हैं कि ब्लाइंड स्पॉट तो क्रिएट होता ही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, और ये थोड़े से ट्रेडिशनल स्टाइल लॉक एंड लॉक वाले थोड़े से अजीब लगते हैं। बट एनीवेज, ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा है कि विंडो पेन फ्रंट वाला रियर वाला दोनों ही काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अगली ऑब्जर्वेशन, इस गाड़ी में स्पेस ही स्पेस है। आपको साइड्स पे तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी पॉकेट स्पेस मिल जाती है, बड़ी बॉटल रखने की, थोड़ा फाइल वगैरह भी रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एडिशनली डैशबोर्ड स्टोरेज की बात करूँ तो नीचे आपको प्रॉपर ग्लव बॉक्स, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना सामान रख सकते हो, और ये डिवाइडेड भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सेक्शंस भी दिए गए हैं यहाँ पर, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसको प्रेस करो तो ऊपर भी दिया हुआ है,
तो यहाँ पर भी आपको स्टोरेज अलग से मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है ये, बट एटलीस्ट स्टोरेज तो है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर स्टोरेज नहीं देती हैं, और देती हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं देती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, नहीं नहीं ये तो इनकी मीडिया आइटनरी है। एनीवेज द पॉइंट इज कि ग्लव बॉक्स का स्टोरेज आपको दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक पैड मिल जाता है। फ़ोन अगर चार्ज नहीं करना है या कुछ और रखना है, वॉलेट शीट्स यहाँ रख सकते हो, जैसे कि ऐसे फ़ोन आपका नीचे आ जाएगा, वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर भी फ़ोन रख सकते हो, थोड़ी सी स्टोरेज टाइप बन जाती है। और इसको अगर फोल्ड कर दोगे तो नीचे आप अपने शेड्स, कप होल्डर, कीज़, इस तरह का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा आसानी से रख पाओगे। बाकी ड्राइव मोड्स तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से स्विच हो जाते हैं इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड पे। आप इसको कभी भी स्विच कर पाएंगे जैसे अभी यूज़ कर रहे हैं। काइगर के रियर सीट में बैठते ही या किसी भी डोर को बंद करते ही पता तो लग जाता है कि यार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि विंडो पेन काफ़ी छोटा लगता है, बट यहाँ ठीक है, बैठने में कंफर्टेबल लगती है, हेडरूम काफ़ी मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको कप होल्डर, थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर एडिशनल मिल जाती है, दो आपको हेडरेस मिल जाएंगे। ड्यूल टोन सीट्स होने की वजह से कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, शुक्र है ऑल ब्लैक नहीं है। और उसके अलावा फीचर्स की बात करें, 12 वोल्ट का सॉकेट नीचे, रियर एसी वेंट्स, साथ में थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर, तो कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं काइगर के पास। और स्पेस अच्छी है, ये वाली सीट तो चलो हमने काफ़ी आगे की है, ये बिल्कुल ड्राइवर के हिसाब से सेट है, मेरी हाइट के हिसाब से तो नी रूम अच्छा मिल रहा है। अंडर साइड सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, अबव एवरेज कह सकता हूँ बट नॉट दी बेस्ट फॉर श्योर। इस गाड़ी में हेडरूम तो मैंने बताया आपको अच्छा मिल जाता, मतलब पीछे बैठ के प्रॉपर, बट द पॉइंट इज़ क्यों मिलता है, क्योंकि सनरूफ नहीं है। आप देख लो टाटा पंच इससे काफ़ी कम प्राइस होने के बावजूद आपको प्रॉपर सनरूफ प्रोवाइड करती है। और चलो पंच में तो क्या ही कंपेयर करें, काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट हो जाता है। बट अगर इसकी भी स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे लगता है कि सनरूफ एक ज़रूरी थी इस सेगमेंट में, अब सनरूफ ज़रूरी हो गई। व्हाट इज़ योर ओपिनियन नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो। चलिए अब इसके पावरफुल इंजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बता दूँ दिस इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल, और इसको निसान में इग्नाइट में चलाओ तो उतना पावरफुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें ड्राइव मोड्स नहीं आते। तो जब आप इसके ड्राइव मोड को स्पोर्ट्स में चेंज करते हो ना, गाड़ी का करेक्टर बदल जाता है। और देखो दो तरह के ड्राइव मोड्स आते हैं कि जब हम ऑटोमेटिक, वो नाइस, ऑटोमेटिक में जब हम चलाते हैं ड्राइव मोड्स के साथ, तो वो सिर्फ गियर शिफ्ट जो है वो थोड़ा जल्दी की जगह लेट करता है ताकि आपको ज़्यादा टॉर्क मिल सके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप मैनुअल में भी आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील होता है जब आप इसका इको मोड या स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हो गाड़ी को। अभी जैसे मैं इको मोड पे जा रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा, ठीक है कि नहीं। चलो सीधी रोड पे आने दो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती काइगर की, ठीक है। ये मैं आ गया सीधी रोड पे। अब मैंने जितनी रेस दी है, फॉर एग्जांपल बहुत थोड़ी सी हल्की सी रेस दी है, 40 की स्पीड मैंने मेंटेन कर ली यहाँ पर इको मोड पे। मैं रेस बढ़ाऊँगा नहीं, मैं रेस उतनी दूंगा, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट कर दूंगा तो वो स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन मेरा एक्सीलरेटर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो ये मेरे को बेनिफिट मिलता है इसके स्पोर्ट्स मोड पे, मैंने स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट कर दिया, आवाज़ भी उधर जाती है। ये नॉर्मल है अभी, ये है स्पोर्ट्स मोड इसका। 100 पे पहुंच गए, पता भी नहीं लगा, दैट इज़ ऑल्सो इन थर्ड गियर। अभी और ऊपर जा सकता था बिकॉज RPM सिर्फ 4000 तक गई थी, है ना कमाल की बात। सो इन शॉर्ट, इस प्राइस ब्रैकेट में इतना पावरफुल इंजन जिसका रिस्पॉन्स भी इतना पावरफुल हो, नहीं है। क्योंकि इसके बाद सीधा जो ऑप्शन आती है पावरफुल इंजन में, वो आती है वेन्यू और सोनेट का टर्बो इंजन, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो टर्बो इंजन आपको मिल रहा है काइगर के साथ, एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर कार एंथुसियास्ट, स्पेशली इन द मैनुअल। गियर शिफ्ट डाउन करो और देख रहे हो इसमें लो एंड टॉर्क ही कितना है। मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ, बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली मैं ओवरटेक कर सकता हूँ किसी भी गाड़ी को। हो सकता है आपको थोड़ी सी बारिश की आवाज़ जो है वो आ रही हो, इंजन को भी सुनो। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारा इंजन हो जाता है, मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। ड्रॉबैक, पावर तो अच्छी है बट नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब क्योंकि 3-सिलेंडर इंजन है, आवाज़ तो देखो आएगी, उसमें किसी बात का कोई शक नहीं है, तो कहीं ना कहीं नॉइस आपको तंग करेगी। वाइब्रेशंस उतनी ज़्यादा नहीं है बट नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है, और वो सिर्फ इंजन की नहीं है, ओवरऑल विंड नॉइज़, टायर नॉइज़ सब आती है, क्योंकि इंसुलेशन ठीक ठाक सी है, तो अंदर तो आवाज़ आपको काफ़ी सुनाई देगी बाहर की। बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि इसकी ट्रांसमिशन है। ईजी टू शिफ्ट, कोई इशू नहीं है, बट द ओनली थिंग इज़ कम्फर्ट के लिए डेड पैडल नहीं दिया गया। अब क्रूज़ कंट्रोल तो मिल जाता है इस गाड़ी में, जो कि जिन लोगों को एक्चुअल में मतलब पता है ना कि क्रूज़ कंट्रोल के कितने बेनिफिट्स हैं, वो इतना खुश होते हैं ना कि क्रूज़ कंट्रोल, टर्बोचार्ज इंजन, ये सब मिल जाए, बस माइलेज माइलेज, मज़े ही मज़े तो वो सब आपको मिल जाता है। बट अगेन क्रूज़ कंट्रोल अगर दो कंपनीज़, तो प्लीज़ छोटा सा एक डेड पैडल भी दे दो, काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाए हम लोगों की, प्लीज। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि
क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, साइड से एक्टिवेट होता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ वहाँ पर दिया गया है। कंफर्ट के लिए डेड पेडल की कमी आपको डेफिनेटली महसूस होगी। ये देखो नॉइस, पहले गियर की नॉइस, ये स्पोर्ट्स मोड पे, अगर आप इसी को ईको मोड पे कर दोगे स्विच तो फिर आवाज़ ठीक हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ईको मोड पे क्या माइलेज आती है, क्या जबरदस्त माइलेज आती है इस इंजन के साथ। 1 लीटर 3 सिलेंडर माइलेज कैसे ना दे। मैंने इसको अभी 2 दिन पहले हाईवे पे चला रहा था, सिटी हाईवे मिक्स था थोड़ा सा, बट 70% हाईवे 30% सिटी, 100-150 किलोमीटर चलाया उस दिन मैंने इसी गाड़ी को, और सिर्फ माइलेज निकालने के पॉइंट से निकाला, चलाई बड़े प्यार से, एसी भी अच्छे से चलाया, गाने भी चलाए, कोई दिक्कत नहीं, और बड़े आराम से चलाई, कोई हार्श एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, 22 किलोमीटर पर लीटर की, और मुझे कहने के लगता है अगर मैं हाईवे और थोड़ा स्ट्रेच करता तो 1-1.5 किलोमीटर पर लीटर और बढ़ जानी थी, और अगर थोड़ा और प्यार से चलाता माइलेज निकालने के पॉइंट से तो हो सकता है, नहीं इससे ज़्यादा तो उसे क्या है, इतनी ठीक है, और इतनी माइलेज आना इस तरह के एसयूवी के साथ पेट्रोल में बहुत 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 बड़ी बात है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। हालांकि सिटी में इसकी माइलेज ऑफकोर्स थोड़ी कम रहती है क्योंकि टर्बो इंजन है, बट अगेन बताने ये चाहूँगा कि अगर आप इसको सही से चलाओ तो सिटी में भी आपको 11 से लेकर 13-14 किलोमीटर पर लीटर दे देती माइलेज, और अगर आप इसको चलाओ हाईवेज पे, अगर थोड़ा हार्श चलाओ भी, माइलेज निकालने के पॉइंट से ना भी चलाओ, तब भी आपको 18 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी। तो ये इस इंजन की खास बात है, और इसका रीज़न एक ये भी है कि बॉडी शेल जो है ना ओवरऑल काइगर का, वो बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं आता, वो मीडियम वेट में आ जाता है, इसलिए सर सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार नहीं मिले बेचारी को, बट चलो कोई बात नहीं। अब तारीफें तो बहुत हो गई, कुछ बताना पड़ेगा जो आपको बुरी लग सकती बात। विजिबिलिटी, बोनट तो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, IRVM अल्टीमेट, क्योंकि बेजल लेस डिज़ाइन मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM में दिखने में बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम गाड़ी वाली फील देता है, बट ORVM ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मिरर छोटा है, पूरा पूरा जो उसका हाउसिंग है बहुत बड़ी है, विंग है ना जो काफ़ी बड़ा है, और ए पिलर बहुत ज़्यादा बड़ा है, फ्रंट वाला जो पूरा पिलर है कहीं ना कहीं उसकी कवरेज है, तो ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है मेरे लिए ड्राइव करने में। यूजली ये जो सीन होता है ना, सिनेरियो होता है, ये बड़ी गाड़ियों में होता है, जैसे हैरियर में ब्लाइंड स्पॉट है, काइगर इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें ये कॉर्नर का ब्लाइंड स्पॉट बनना चाहिए, तो ये ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा थोड़ा क्या काफ़ी मेरे को तंग करता है, जब मैं टाइट थोड़ा सड़कों पर होता तो मेरी जजमेंट ख़राब हो जाती है इस ब्लाइंड स्पॉट की वजह से, लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट थोड़े ज़्यादा हैं, इसको थोड़ा और मैनेज अच्छे तरीके से किया जा सकता था। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फीचर अच्छा लगता है कि इस बजट में भी आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। अब जो आप ड्राइव मोड्स की मैं बात कर रहा था उसको चेंज करते हो इको नॉर्मल स्पोर्ट्स में, तो उसमें अच्छी चीज़ ये लगती है कि मुझे जो क्लस्टर पे एनिमेशन आती है ना, वो भी आपको बड़ी मॉडर्न सी प्रीमियम सी फील दे देती है, तो वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी लग सकती है। लेकिन मैग्नाइट से बेटर है इसका, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, क्लियर है, और कलर्स जो है वो काफ़ी उठकर आते हैं, तो दैट लुक्स रियली नाइस। अब काइगर में ना एक और चीज़ की मैं थोड़ी सी कमी लगती है, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है यार, स्पीड ब्रेकर खड्डे को गाय से ही इसकी टक टक ठक ठक पूरी शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ क्वालिटी थोड़ी और बेटर की जा सकती है, सस्पेंशन में कॉस्ट कटिंग की गई है। हालांकि स्टिफर साइड पर है तो हाईवे पे काफ़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं, कंफर्टेबल उतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि थोड़ा सा झटका तो आपको मिलेगा इस गाड़ी में। अब रही बात पंच के साथ कंपेयर करने की, तो सामने जा रही है, पंच के लुक्स मुझे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते जितने काइगर करते, काइगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी लगती है, बट पंच में देखो ना फीचर्स कितने ज़्यादा हैं, पंच में आपको फीचर्स मिल जाते हैं, बड़ी स्क्रीन, सनरूफ, ये सब आपको ऑफर किया जाता है, जो कि आपको काइगर में नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। अब कंक्लूजन, काइगर किसको लेनी किसको नहीं लेनी, और लेनी तो क्यों लेनी। देखो काइगर उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी जिनको एक तो कम प्राइस में कमाल के लुक्स चाहिए, एसयूवी वाली प्रॉपर फील भी चाहिए, और उसके साथ साथ मतलब एक पावरफुल इंजन चाहिए, तो डेफिनेटली काइगर उनके लिए है। बट जिनको फीचर्स चाहिए, बेटर आफ्टर सेल्स सर्विस भी चाहिए, और प्राइस भी रीसेल वैल्यू चाहिए, उनके लिए आई डोंट रियली थिंक सो कि काइगर एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। मुझे पर्सनली निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर में से काइगर ज़्यादा पसंद है, बेसिकली इसके लुक्स की वजह से, इसके ड्राइव मोड्स की वजह से। मतलब काइगर के लुक ना अलग ही होते हैं, और हमारे पास तो ब्लैक कलर है, नो डाउट थोड़ा गंदा, अब क्या है कि बारिश हो गई आज, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर 52.3 पहुंच गया था, वैसे देख रहे हो कार की टीम आपके लिए कितनी मेहनत करती है, आज शूट करने निकले थे काइगर का, लेकिन भगवान ने थोड़ी हेल्प कर दी। एनीवेज द पॉइंट इज कि काइगर उन लोगों के लिए सही है जिनका प्राइस जो है, बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको एक थोड़ी सी बड़ी गाड़ी, अच्छी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, हटकर गाड़ी चाहिए, जो ऐसे नहीं कि हर किसी के पास हो, तो डेफिनेटली काइगर एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, बट अगेन फिर प्राइसिंग भी तो कम है, क्वालिटी भी थोड़ी कम है, लेकिन अगेन प्राइसिंग भी तो कम है,
तो जो लोग प्राइसिंग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं फीचर्स और क्वालिटी में, वो डेफिनेटली काइगर की तरफ जा सकते हैं। सो दिस वॉज द काइगर्स लॉन्ग टर्म रिव्यू। वट इज़ योर ओपिनियन, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें, और साथ के साथ आप अपना ओपिनियन ये ज़रूर बताएं कि आप और कौन सी गाड़ी का इस तरह का रिव्यू देखना चाहेंगे, और काइगर की अच्छी चीज़ कौन सी लगी, बुरी चीज़ कौन सी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।